बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, हंसी ठाहकों से भरा रहा। तो वहीं शहनाज गिल ने माहिरा शर्मा को उनकी हर एक बात का कड़ा जवाब दिया और इस तरीके से आज की रात भी घर में बेहद ही खास और एंटरटेनिंग रही। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास और एंटरटेनिंग रहा तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो दिन की शुरुआत होती है एक बेहद एनर्जेटिक गाने के साथ, जहां पर ये घर वाले झूमते नाचते गाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद घर वालों की डेली रूटीन शुरू होती है, जहां पर शहनाज गिल को रश्मि देसाई समझाती हुई नजर आती है कि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे प्यार करती हैं और वो उनके लिए बुरा होगा अगर वो उनके साथ रहती हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में रिग्रेट फील नहीं करना चाहती कि उनके पास मौका था वो उन्हें समझा सकती थी, शहनाज के साथ बुरा हुआ और वो ये नहीं चाहती। यहाँ पर शहनाज भी कहती हुई नजर आती है कि चल कोई नहीं। इसके बाद घर में एक बार फिर से एंट्री होती है हर्ष लिम्बाचिया की और बाकी 5 सदस्यों के साथ यहाँ पर वो एक बार फिर से स्क्रिप्टिंग करते हुए नजर आते हैं। शेफाली जरीवाला के साथ वो यहाँ पर फिल्म शोले का एक सीन क्रिएट करते हुए नजर आते हैं सभी घर वालों को लेकर। तो वही पारस छाबरा के साथ भी वो अपनी जैमिंग करते हुए नजर आते हैं। शहनाज गिल के साथ भी खूब हंसी ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ और शहनाज की शादी की प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। आसिम रियाज भी अपने रैप स्टाइल में उनके साथ स्क्रिप्टिंग करते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से आज शाम के शो के लिए यहाँ पर वो स्क्रिप्टिंग करते हुए नजर आते हैं। फिर बारी आती है शाम के कॉमेडी नाइट की, जहाँ पर पारितोष एक बार फिर से घर वालों से मिलने के लिए आते हैं, शो को होस्ट करते हैं, ऑडियंस भी आ जाती है और पारितोष एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए नजर आते हैं और सबकी खूब टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर शहनाज और विशाल की अंग्रेजी का वो मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं यहाँ पर शहनाज पारितोष पर ही भारी पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि वो इतनी हाजिर जवाब जो होती है। माहिरा शर्मा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि उनको देख लेना भी काफी वर्थफुल होता है। पारस छाबरा को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि वो इतने छिछोरे हैं कि नर्स ने भी कहा होगा कि आपको तो छिछोरा पैदा हुआ है और इसने तो पैदा होते ही नर्स को आंख मार दी होगी। और इस तरीके से यहाँ पर वो घर के हर एक सदस्य को लेकर एक बार फिर से टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं और फिर एक एक करके सभी घर वाले अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर पारस छाबरा अपने और माहिरा के रिश्ते को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बाहर कोई है जो ये सब देख रहा है। विशाल की जिंदगी को झंड करना चाहता हूँ, लेकिन जब मधुरिमा को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि और क्या झंड करूंगा। शहनाज गिल इस दौरान माहिरा शर्मा को बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी हर एक बात का जवाब देती हुई नजर आती है कि खुद का नाम लेने भर से कुछ नहीं होता, जब तारीफ कोई और करता है तब बात बनती है, क्योंकि शहनाज बोलती हुई नजर आती है ऑडियंस को कि क्या आप मुझे जानते हैं, और ऑडियंस एक साथ चलाती हुई कहती है शहनाज। यहाँ पर वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि पारस तुझे क्या लगता है मैं इसे जलती हूँ, ये है ही कौन जिससे मैं जलूं। और यहाँ पर माहिरा थोड़ी अपसेट हो जाती है और रोती हुई नजर आती है। यहाँ पर आसिम रियाज अपने रैप स्टाइल में सभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं और पारस उनके तानों के लिए कड़ा जवाब देते हुए नजर आते हैं कि तेरे परफ्यूम से ज्यादा महंगा तो मेरा पसीना है, तू मेरे सामने बॉडी है और मैं पूरा लेग पीस हूँ। यहाँ पर पारितोष भी उनको चेयर करते हुए नजर आते हैं और ऑडियंस भी काफी खुश नजर आती है। शहनाज गिल इस दौरान ये भी कहती हुई नजर आती है कि अगर ऑडियंस आप चाहती हो कि मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाए तो एक स्टैंडिंग ओवेशन हो ही जाए। और इस तरीके से यहाँ पर शहनाज सभी को एंटरटेन करती हुई नजर आती है। शेफाली जरीवाला भी अपनी शोले की कहानी बताती हुई नजर आती है कि यहाँ पर राधा है लालटेन वाली आरती सिंह, जो कि लालटेन लेके घर में यहाँ वहाँ किसी किसी के मुद्दे में घुसती है और अपना दूल्हा ढूंढ रही है। यहाँ पर ठाकुर और रामलाल की जोड़ी है मधुरिमा और विशाल की, जहाँ पर विशाल है रामलाल और मधुरिमा है ठाकुर। तो इस तरीके से माहिरा शर्मा ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और माहिरा ने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान घर वालों को अपने और पारस के रिश्ते को लेकर और इस तरीके से सारी ऑडियंस ही उनके इस परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय करती हुई नजर आती है। और फिर बारी आती है ऑडियंस के फैसले की, जहां पर ऑडियंस शहनाज को विनर घोषित करती है। साथ ही दूसरी पोजीशन पर आते हैं आसिम रियाज और तीसरी पोजीशन पर आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। और कुल मिलाकर आज का एपिसोड बेहद ही खास, मजेदार और एंटरटेनिंग हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 104 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से स्टेडी सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी चटपटी और मसालेदार खबरों को यूं ही सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।